होन्नावर कोस्टल कर्नाटका का एक ऐसा खूबसूरत सा शहर जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरत नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है। आज कुछ ऐसे ही अनएक्सप्लोर्ड और अनटच प्लेसेस को मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो इस भीड़भाड़ वाली दुनिया और ट्रैफिक से काफ़ी दूर है। दोस्तों, भारत के किसी भी कोने से आप होन्नावर काफ़ी ईजिली पहुँच सकते हैं। बाई ट्रेन आप कोंकण रेलवे से आ सकते हैं और बाई एयर आप नियरेस्ट एयरपोर्ट मैंगलोर आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। होन्नावर रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर चर्च रोड पर स्थित ये है शरावती रिवर। और यहाँ की बोटिंग आपको केरला के एलेप्पे और कासरगोड की बोटिंग की याद जरूर दिलाएगी। यहाँ पे बोटिंग करने के लिए लगभग आपको खर्चने पड़ेंगे पर हेड 500 रुपीस। और अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक बोटिंग खुली रहती है। अगर मानसून का सीज़न छोड़ दे तो आप बाकी किसी भी सीज़न में आके यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट इज़ बिटवीन 5:30 to 6:30। अगर आप सनसेट के दीवाने हैं तो फिर ऐसा नज़ारा देख के आपका मन पिघलने ही वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं जो होन्नावर के नज़दीक हैं और कोस्टल कर्नाटका के प्रकृति सौंदर्य पर 4 चांद लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे बीचेस की जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और इन बीचेस पे पहुँचने के लिए आपको सिर्फ बोट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए मैंने भी कुछ ऐसा ही किया और मैंने कांटेक्ट किया डॉल्फिन एडवेंचर्स को और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मैंने 3 घंटे की राइड बुक की। अगर आपको एक्सप्लोर करना पसंद है, अगर आप नेचर एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं तो होन्नावर आपके लिए परफेक्ट प्लेस है। तो बोट में लगभग 20 मिनट का सफ़र तय करके हम लोग अभी आ चुके हैं गोकर्ण के पास मिस्ट्री केव बीच पे। और यहाँ पहुँच के मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी अलग ही दुनिया में हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, इस बीच पे मुझे जो तसल्ली मिली, मेरे मन को जो शांति मिली, वो कहीं नहीं मिल सकती थी। गोकर्ण के मिस्ट्री के बीच को एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल पड़ा अपने अगले पड़ाव की तरफ। और दोस्तों, ये हैं कोस्टल कर्नाटका का सबसे फेमस बीच, ओम बीच। इस बीच का आकार ओम के आकार में है, इसलिए इसे ओम बीच कहा जाता है। दोस्तों, ओम बीच देखने के बाद लगभग 15 मिनट बोट में सफर तय करके मैं आ पहुंचा नर्तना बीच पे। जी हाँ दोस्तों, इस बीच का नाम शायद ही इससे पहले आपने कभी सुना होगा। ये बीच कोकर्णा के नज़दीक एक छोटे से आइलैंड पे हैं जो किसी रोड से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ आपको बोट का सहारा ही लेना पड़ेगा दोस्तों। और मेरे साथ जो बोट में आए थे उन लोगों को छोड़ के इस हाईलैंड पे कोई नहीं था। बोटिंग टूर एजेंसी द्वारा प्री ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ ऑलरेडी आपके फेयर में इंक्लूडेड है। अगर आप चाहे तो उसका मज़ा उठा सकते हैं। एक्टिविटीज़ जैसे कि कायाकिंग, बोटिंग, स्नॉर्कलिंग, ये सभी फेयर में ही इंक्लूडेड हैं। बोट टूर एजेंसी वाले लगभग 1.5 घंटा आपको इस आइलैंड पे छोड़ देंगे जिससे आप अपना क्वालिटी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं।
मिस्ट्री केव बीच, ओम बीच, पैराडाइज बीच और फाइनली डेढ़ घंटा नर्तना बीच पे बिताने के बाद मैं अभी वापस कोस्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पे पहुँचकर मेरा सफ़र ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और आपके कमेंट्स ज़रूर शेयर करना, जिससे कि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगी। मैं आपको मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।